वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो टॉपिक हम समझेंगे, अभी तक तो आपने ये समझा है कि शॉर्ट रन में आपने एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बिहेवियर को हम समझ रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि शॉर्ट रन में आप जो है मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम को भी हमने अभी तक जो है भी हम समझ रहे हैं। तो शॉर्ट रन में हमने क्या समझा था, शॉर्ट रन में हमने ये समझा था कि जो हमारे फैक्टर्स होते हैं, जो हमारे इनपुट्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इसकी जो है प्राइस में चेंज नहीं होता है। और किसी वजह से जब इसकी प्राइस, जब कमोडिटी की प्राइस में आपके चेंज आ जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, शॉर्ट रन कहेंगे। और जब प्राइस में चेंज आता है तो इकोनॉमी के जीडीपी लेवल में भी चेंजेस आते हैं। तो ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। और इस टॉपिक में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर इस टॉपिक में हमने एग्रीगेट डिमांड कर्व को समझा था कि एग्रीगेट डिमांड कर्व किस तरीके से हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, और डेरिवेशन हम एग्रीगेट डिमांड कर्व समझा आपने, आपने डिमांड कर्व शॉक को भी समझा आपने। आज हमारा टॉपिक रहेगा शॉर्ट रन, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, इसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर है जी? अब ये क्या होता है, तो तीन तरीके के शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई होता है। एक तो आपका होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, आपका ये क्या होता है हॉरिजॉन्टल शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, और एक आपका क्या रहेगा, वर्टिकल शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है ना, और एक आपका रहेगा पॉजिटिव स्लोप शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। तो यहां पर आपके पास में शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व की बात करूंगा तो तीन तरीके के कर्व आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला सवाल है कि सर ये हॉरिजॉन्टल कर्व, ये किस सिचुएशन में हमारा जो सप्लाई कर्व है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व है शॉर्ट रन, ये किस सिचुएशन में हॉरिजॉन्टल होता है, मींस एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। अगर यहाँ पर मैं बात करूंगा डायग्राम की, मैं समझाऊंगा सारे लॉजिक से बताऊंगा, बस अभी आप थोड़ा देखते जाइएगा। कुछ इस तरीके से ये आपका ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और प्राइस है, रियल जीडीपी है, कुछ इस तरीके से आपका कर्व है। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व ये आपका इस तरीके का आपको देखने को मिलता है, शॉर्ट रन एग्रीगेट। हाँ जी राजलक्ष्मी, डाउट पूछिए अपना, पूछो। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, फिलहाल अपन डाउट पूछूंगा। अभी इसका ऑडियो सही से काम नहीं कर रहा तो आप कमेंट के थ्रू आप जो है पूछ लीजिए एक बार। हेलो, स्टार्ट करें। हाँ जी देखिएगा, तो बच्चे आपके पास में एग्रीगेट सप्लाई कर्व की मैं बात करता हूँ, तो एग्रीगेट सप्लाई आपके पास में तीन तरीके की होती है। अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई एंड वर्टिकल शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई और एक आपका पॉजिटिव स्लोप। तो हॉरिजॉन्टल में आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका रहेगा। आप सवाल है कि ऐसा क्यों बना, ये सिचुएशन वो सिचुएशन है जब एक इकोनॉमी अपनी कैपेसिटी और अपने स्ट्रेंथ से बहुत बिलो जा करके काम करती है,
फॉर एग्जाम्पल मेरी कैपेसिटी है, मैं 500 स्टूडेंट्स को टीच कर सकता हूँ, और अगर मैं 5 स्टूडेंट को ही टीच कर रहा हूँ अपनी कैपेसिटी से, तो इसका मतलब है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ अपनी कैपेसिटी से बहुत बिलो जा करके परफॉर्म कर रहा हूँ। तो जैसे एक इकोनॉमी जितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सकती है एक इकोनॉमी, और उससे काफ़ी नीचे जा करके अगर ये काम कर रही है इकोनॉमी, तो इस सिचुएशन में हाईली अनएम्प्लॉयमेंट होता है, बहुत बेरोजगारी होती है। कि जो कंट्री की कैपेसिटी है, जो स्ट्रेंथ है, अगर उस पर प्रोडक्शन लेवल करेगा तो मतलब आउटपुट लेवल अगर ज्यादा कंट्री प्रोड्यूस करेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा देगा, क्योंकि आउटपुट तो विदाउट एम्प्लॉयमेंट के तो हो ही नहीं सकता ना। प्रोडक्शन प्रोडक्शन तो एम्प्लॉयमेंट के साथ ही होता है। तो जब आप एक इकोनॉमी अपने स्ट्रेंथ से बहुत ही बिलो जा करके परफॉर्म कर रही है, काम कर रही है, बहुत ही लो लेवल का आप जो है वो आउटपुट करके दे रही है, प्रोडक्शन करके दे रही है, इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा। जैसे कि मेरी स्ट्रेंथ है 500 बच्चों को मैं ऑफलाइन पढ़ा दूंगा, और मैं पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन में, एग्जाम्पल के लिए ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ मैं 5 बच्चों को, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 500 बच्चों पढ़ा सकता हूँ, और मैं 5 बच्चों पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपने स्ट्रेंथ से काफी बिलो जा करके काम कर रहा हूँ। मेरी बात समझे? और यहाँ पर आप एक चीज को जरा समझिएगा कि अगर मेरे पास में 5 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो 2 बच्चा और आएगा तो मेरी फीस नहीं बढ़ेगी भाई, मेरी इनकम तो बढ़ जाएगी, लेकिन मैं अपनी फीस के प्राइस थोड़ी बढ़ाऊंगा। 500 बच्चों की स्ट्रेंथ है, 500 बच्चे तक तो भैया मैं अपनी फीस को छेड़ूंगा नहीं, आने तो ये मेरी कैपेसिटी है। हाँ, जब मेरी कैपेसिटी के बाहर हो जाएगा ना, अब मैं नहीं पढ़ा सकता भाई, लेकिन फिर ये बच्चे आ रहे हैं, तो फिर फीस बढ़ाना शुरू। ऐसे एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो इकोनॉमी के अंदर आप देखेंगे तो इकोनॉमी अपने स्ट्रेंथ से अगर काफी कम पे काम कर पा रही है, तो उस सिचुएशन में हाईली अनएम्प्लॉयमेंट होता है, और वो हॉरिजॉन्टल तो आपका एक्सेसिस होता है। अब कैसे ग्राफ किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, तो आपको एग्रीगेट डिमांड कर्व आपको पता है कैसे रहता है? आपको तो पता है, हमने बनाया था ना एग्रीगेट डिमांड पे। तो आप देखें एग्रीगेट सप्लाई शॉर्ट रन और एग्रीगेट डिमांड, शॉर्ट रन एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, आपको कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? यहाँ पर। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम लेवल, जहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इंटरसेक्ट करता है, वो इक्विलिब्रियम लेवल हो गया इकोनॉमी का, ठीक है जी। ये प्राइस लेवल हो गया और ये वाई लेवल हो गया। अब मैं अगर एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी मेरी बढ़ जाए, शॉर्ट रन एग्रीगेट डिमांड कर्व बढ़ जाए इकोनॉमी के अंदर, मान लो कुछ इस तरीके से, तो आप इस चीज को देखिएगा, तो डिमांड बढ़ने से मेरी इकोनॉमी की इनकम तो बढ़ जाएगी, जीडीपी तो बढ़ जाएगी, लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये बेसिकली प्राइस और जीडीपी के बीच रिलेशन को बताता है, और जनरली हमेशा ऐसे ही होता है। अगर एक हलवाई एक दिन के अंदर 500 समोसे वो बेच सकता है, तो लोग उसके पास में 10 समोसे खरीद रहे हैं, 10 समोसे वो बेच रहा है, और इसके बाद अगर डिमांड बढ़ी, 20 समोसे की डिमांड बढ़ेगी, तो उसके समोसे की प्राइस नहीं बढ़ेंगे, वो 500 समोसे के बाद ही समोसे की प्राइस बढ़ाएगा। तो तब तक उसकी आमदनी तो बढ़ती रहेगी हलवाई की, लेकिन प्राइस कांस्टेंट रहेगा। तो यही, जब आप अपनी स्ट्रेंथ जितनी आप सप्लाई कर सकते हो उससे कम अगर आप काम करते हो, तो हॉरिजॉन्टल टू एक्सेसिस बनता है। ये बताता है कि अगर आपके पास में डिमांड अगर फ्यूचर में बढ़ी हुई जाएगी, तो इनकम बढ़ जाएगी हमारी, इकोनॉमी हमारे नेशनल इनकम बढ़ जाएगा, लेकिन कमोडिटी की प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टल टू एक्सेसिस बनता है, जब इकोनॉमी अपनी स्ट्रेंथ से काफी ब्लो जा करके काम करता है। अब मैं बात करता हूं यहां पर वर्टिकल कब बनता है। बच्चे वर्टिकल जब बनता है, जब एक इकोनॉमी अपनी फुल स्ट्रेंथ पे काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैं 500 बच्चों को टीच कर सकता हूँ, और मैं 500 बच्चे ही पढ़ा रहा हूँ, अपनी पूरी कैपेसिटी को यूज कर रहा है, पूरी कैपेसिटी पर काम कर रहा है, तो इस सिचुएशन में ना आपका जो एग्रीगेट सप्लाई शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये आपका वर्टिकल रहने वाला है। ये हमारे पास में जीडीपी आ गया, और जीडीपी के साथ में हमारे पास में प्राइस हो गया, तो ये वर्टिकल आपके पास में रहेगा। सवाल है कि सर ये वर्टिकल क्यों रहेगा एग्रीगेट सप्लाई कर, तो वो भी देख लेते हैं। बच्चे एक बार बताओ, जब 500 बच्चे पढ़ाने की मेरी क्षमता है, और 500 बच्चे मैं पढ़ा भी रहा हूँ, उसके बाद भी अगर मुझे और काम करना पड़े और डिमांड आ जाए, डिमांड बढ़ जाए मेरी, तो मैं क्या करूंगा, मैं कैसे मैनेज करूंगा? मैं तो अपने फुल स्ट्रेंथ पर ऑलरेडी काम कर रहा हूँ भाई, दिन में 12 घंटे पढ़ा सकता हूँ, तो 12 घंटे पढ़ा रहा हूँ मैं, मान लीजिए मैंने अपना स्पेस सब बढ़ा करके देख लिया, सब कर लिया, मैं 12 घंटे जो खड़ा अवेलेबल हो सकता हूँ मैं वो अवेलेबल भी हो रहा हूँ, अपना पूरा टाइम दे रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, कितने बच्चे पढ़ा सकता हूँ अपने पूरी कैपेसिटी को यूज कर रहा हूँ, उसके आधे बच्चे आ गए, तो भैया मैं एक दिन को तो 2 दिन में कन्वर्ट नहीं कर सकता ना, दिन में 24 घंटे होते, उसको 48 घंटे कन्वर्ट नहीं करूंगा, तो मैं उतना ही काम करूंगा, लेकिन उसकी जो फीस है ना वो बढ़ जाएगी, कि जो ज्यादा फीस देगा उसको चांस दिया जाएगा। मैं ऐसा मैं नहीं करूंगा, बट समझाने के पर्पज से मैं ऐसे एग्जाम्पल्स को ले रहा हूँ, क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए हाँ एग्जाम्पल देते हैं, नहीं तो आप गलत ले जाओगे कि सर फीस है ना हमेशा बढ़ाने की सोचते रहते हैं। नहीं बच्चे, मैं तो आपको इतने कम फीस पर पढ़ा रहा हूँ, और 10 ईयर भी आपको सॉल्व करवाऊंगा,
देखिए बच्चे, मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी एक दुकान है और आप ना ब्रेड पकोड़े आप बना करके बेचते हो, और तो ब्रेड पकोड़े बहुत फेमस दुकान हो गई है आपकी, तो ब्रेड पकोड़े जो बनाते हो सारा बिक जाता है, आप पूरी स्ट्रेंथ पूरी कैपेसिटी से जितनी लगा सकते थे अपनी स्ट्रेंथ कैपेसिटी उस हिसाब से उतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हो, लेकिन आपका वो भी बिक जाता है सारा का सारा फटाफट, तो अब तो आप उतना ही क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हो क्योंकि आपने पूरी स्ट्रेंथ का आपने यूज कर लिया है, लेकिन लोग ज्यादा है, डिमांड उसके बाद ही बढ़ रही है, तो क्या करोगे, अपनी उस कम्युनिटीज को उनको ऑफर करोगे जिसके बदले में ज्यादा पे करेंगे, तो वहां से प्राइस बढ़ेगा। हाँ, वहां से आपका जो है प्राइस बढ़ेगा, कम्युनिटी की प्राइस बढ़ेगी, लेकिन आपका कोई एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए डिमांड कर बनाता हूँ, एग्रीगेट डिमांड कर, ये मेरी नेशनल इनकम है, ये मेरा प्राइस का लेवल है, फिर एग्रीगेट डिमांड में आगे बढ़ा देता हूँ, शॉर्ट रन एग्रीगेट डिमांड, शॉर्ट रन एग्रीगेट डिमांड, ये लिख के, ठीक है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है जी। अब देखिएगा अब क्या रहा, ये यहाँ पे हुआ तो मेरे जीडीपी में कोई चेंज नहीं आएगा, बस कमोडिटी की क्या होगी, प्राइस जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में अगर इकोनॉमी अपने पूरी कैपेसिटी से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रही है, लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं, फुल्ली इंप्लॉयमेंट के सिचुएशन पे है, पूरा रिसोर्सेज हमारे देश का इस्तेमाल में आ रहा है, तो उसके बाद आप और क्या गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर लोगे, आपका आपका आप और ज्यादा प्रोडक्शन गुड्स सर्विसेज का नहीं होगा ना, तो जीडीपी आपका थोड़ी बढ़ेगा, अब उनके प्राइस बढ़ जाएंगे उन कमोडिटीज के, तो इसलिए आपके पास पे एक सिचुएशन वो जब आप अपने स्ट्रेंथ से कम काम कर रहे हो, और एक सिचुएशन वो जब अपने स्ट्रेंथ फुल्ली अपने स्ट्रेंथ से काम कर रहे हो, और जो जनरल जो डायग्राम बनता है ना कॉमनली, हम ऐसा डायग्राम स्पेसिफिक केस जब मेंशन होगा तभी बनाएंगे, वो जो जनरली डायग्राम हम बनाएंगे वो हम ये बनाएंगे एग्रीगेट सप्लाई के, क्योंकि दोनों चीजें पाई जाती हैं, इकोनॉमी सबसे पहले वहां से स्टार्ट होती है कि वहां पर वो अपने स्ट्रेंथ से कम काम करती है, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, नेपाल जितना प्रोडक्शन कर सकती है अभी उतना प्रोडक्शन काम नहीं कर रही है, उससे कम कैपेसिटी से वो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन कर पा रही है, जितने भी आपके बैकवर्ड कंट्रीज हैं या अंडर डेवलपिंग कंट्री डेवलप कंट्रीज हैं, वो सारे के सारे जो उनकी स्ट्रेंथ होती है अपने स्ट्रेंथ पे फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे होते हैं, उससे बिलो काम कर रहे होते हैं, तो बेसिकली कहीं ना कहीं उसमें ये फीचर पाया जाता है हॉरिजॉन्टल वाला, और एक टाइम पर आकर के वो जो है आपका फुल स्ट्रेंथ की तरफ अपने बढ़ जाते हैं, तो फिर ये आपके ये अलग फीचर पाए जाएंगे उसमें वर्टिकल वाले, तो इस तरीके से ये कुछ आपका डायग्राम इस तरीके से ऐसे रहेगा, तो हॉरिजॉन्टल भी देखने को मिलेगा और ऐसे देखना पड़ेगा, तो जनरली शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व आपका ऐसा ही बनेगा, बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है। तो ये आपके पास में क्या हो गया, ये आपका जीडीपी हो गया, ये आपका प्राइस हो गया, तो आइए सबसे पहले मैंने आपको समझा दिया कि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व तीन तरीके के होते हैं, जिससे कि आगे आपको किसी भी तरीके की समस्या ना आए, ठीक है। अब मेरा सवाल क्या था, मेरा क्वेश्चन ये था कि सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिमांड शॉक, ये हमारा हो चुका था, व्हाट इज द मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, शो इट्स अ ग्राफिकल डेरिवेशन। अब मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम क्या है, उस बात को भी समझ लेते हैं। देखिएगा, जब आप शॉर्ट रन के अंदर एक इकोनॉमी में है जहां पर आपके रिसोर्सिस के प्राइस तो अभी चेंज नहीं हो रहे हैं, ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, नीचे आपका जीडीपी है और ये आपका प्राइस है, क्लियर है जी। और यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसे बनता है, ऐसे ऐसा क्यों बनता है, ऑलरेडी मैं एक क्लास दे चुका हूँ, एग्रीगेट सप्लाई कैसे बनेगा आपका, ऐसे बनेगा, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, शॉर्ट रन एग्रीगेट डिमांड, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर, तो ये आपका वाई, ये आपके पास है पी, और ये इक्विलिब्रियम लेवल हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं, व्हाट इज द मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम शो इन इट्स ग्राफिकल डेरिवेशन, तो ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम होता है जब आप शॉर्ट रन के अंदर वे डिमांड एंड सप्लाई इक्वल, क्यों ये क्यों होता है, आपने कह दिया सर हमने मान लिया, ऐसे कैसे होगा, बात ये भी आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप इससे अबव कोई प्राइस अगर आप देखते हो तो क्या होता है, इससे अबव प्राइस में आपका जो है डिमांड ये रहता है, डिमांड लिखता हूं मैं, और सप्लाई आपका लेवल आपका ये रहता है, तो आपकी सप्लाई ज्यादा रहती है ना इकोनॉमी के अंदर, डिमांड से ज्यादा क्या है सप्लाई, तो ये आपका अनसोल्ड स्टॉक रह जाएगा ना, आपका अनबिका माल, अनसोल्ड, क्लियर है। तो ये क्या रहेगा,
ये इसके पास में अनसोल्ड स्टॉक उसके पास में रह जाएगा, अनबिका माल रहेगा इतना, क्योंकि ये डिमांड इतनी कर रही है, वो बंदा बना के इतना तैयार बैठा है, इतना तो बिक जाएगा जितनी डिमांड करे, ये बेचारा बिना बिके रह जाएगा। अब ये बिना बिके रह जाएगा तो क्या होगा, तो भैया कमोडिटी की प्राइस फॉल होगी या नहीं होगी, आप देखिएगा। यहाँ तो आप बताएंगे भैया हम तो जीडीपी, यहाँ पे तो यहाँ पर क्या होगा कि प्राइस भी फॉल होगा, कंपनी के जो प्रोडक्ट बिके नहीं है वो अनसोल्ड रखा हुआ तो उसके प्राइस क्या होंगे, डाउन होना शुरू हो जाएगा, और प्राइस भी डाउन होना शुरू हो जाएगा, आपको कुछ इस तरीके से वापस आप ओपी प्राइस पर आ जाएंगे। क्लियर है? अगर आप इससे नीचे वाले प्राइस करते हैं, कम प्राइस करते हैं, अगर आप दिस वन ये, तो ये क्या आपके पास सप्लाई है और ये क्या डिमांड है, तो डिमांड ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, तो नहीं तो इसके ऊपर कोई स्टेबिलिटी रहेगी प्राइस की ना, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी रहेगी तो बैलेंस कहाँ रहेगी इकोनॉमी, जहाँ पर आपके पास में एग्रीगेट डिमांड का भी लेवल वही है, सप्लाई का भी लेवल वही है, और आपके पास में ये ई पॉइंट पर हमारे जो है क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं इसको। क्लियर है बच्चे, समझ गए? तो ये वही बात कहेगा कि मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम इज द स्टेट वेयर एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू द एग्रीगेट डिमांड, एंड इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम रेफर टू द स्टेट वेयर द इकोनॉमिक फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई आर बैलेंस विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, प्राइस एंड क्वांटिटी विल बी रिमेन एट द इक्विलिब्रियम वैल्यू, एग्रीगेट सप्लाई रेफर टू द टोटल सप्लाई ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन बता रहा है, टू द टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट फर्म इन एन इकोनॉमी प्लान टू सेल ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ये तो एग्रीगेट सप्लाई के, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट फर्म आर विलिंग टू सेल एट द स्पेसिफिक प्राइस लेवल ऑफ एन इकोनॉमी, एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन दे रहा है। ऑन द अदर हैंड द रेफर टू द डिमांड ऑफ अ फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज इन द इकोनॉमी एट अ गिवन टाइम एंड प्राइस लेवल, इट इज द डिमांड फॉर द ग्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द नेशन। क्लियर है? वही ग्राफ में आपको एक्सप्लेन करके आपको बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, व्हाट इज मीन्ट बाय द एग्रीगेट डिमांड शॉक, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इस क्वेश्चन को, ये बार बार आया हुआ पेपर में, ठीक है। एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्सपेंशनरी डिमांड शॉक अपॉन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी इन द इकोनॉमी इन अ शॉर्ट रन। चलिए तो भैया एक्सपेंशनरी क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं हम। चलिए देखिए, सबसे पहले आप क्या करो, क्या कह रहे हैं, क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके इक्विलिब्रियम जीडी पर, तो पहले इक्विलिब्रियम जीडीपी तो आप ले आइए, ठीक है जी, इक्विलिब्रियम आप जीडीपी पहले ले आइए, किस पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं आपको तीनों सिचुएशन में, अगर मैं आपको पहले मैं एक जनरल सिचुएशन बना देता हूं, ठीक है जी, जब एक तीनों सिचुएशन बता दूं मैं आपको, देखिएगा एग्रीगेट डिमांड तो आपका ऑलवेज कर्व सेम रहता है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या रहता है वो डिफरेंट रहता है, गया तो नहीं गया, क्या देखिएगा मैं आपको तीन बता देता हूं, एक्सपेंशनरी एग्रीगेट डिमांड शॉक क्या होता है, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई तो आपका डिफरेंट डिफरेंट होता है, मैं तीनों सिचुएशन बता देता हूं आपको। ओरिजिन है एक्स एक्सिस है जी, वाई एक्सिस है जी, यहां पर आपका क्या है प्राइस है, और यहां पर आपका क्या है जीडीपी है, यहां पर क्या आपके पास में प्राइस है, और यहां पर क्या आपका जीडीपी है, ये एक्स है, ये वाई है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन है, वाई है, और एक्स है। क्लियर है? माइक से शोर आ रही है कैसे, चलिए अब नहीं आएगी, क्लियर है? अब देखिएगा मैं आपको एक्सपेंशनरी एग्रीगेट डिमांड शॉक बता रहा हूं सबसे पहले, और उसका हमारे इक्विलिब्रियम जीडीपी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पहले इक्विलिब्रियम जीडीपी तो एस्टैब्लिश कर लो आप, इक्विलिब्रियम जीडीपी एस्टैब्लिश कब होता है, वेयर एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर है? ये हमने भी पढ़ा है। तो चलिए एग्रीगेट डिमांड आपके पास में क्या रहने वाला है, ऑलवेज एग्रीगेट डिमांड, आप एग्रीगेट सप्लाई के अलग अलग बिहेवियर होते हैं, लाइक एग्रीगेट सप्लाई आपका ऐसे भी हो सकता है भैया, इकोनॉमी की अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, दिस वन एग्रीगेट सप्लाई आपका कुछ इस तरीके का भी हो सकता है, सॉरी
ये तो गड़बड़ हो गई। एग्रीगेट सप्लाई आपका कुछ इस तरीके का भी हो सकता है भैया, और एग्रीगेट सप्लाई आपका कुछ है। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, क्लियर है? तो आपके अलग अलग हो सकते हैं। तो मैं आपको एक क्लियरम सिचुएशन बताने जा रहा हूं पहले कि हमारा जीडीपी क्लियरम कैसे होगा। वो पता है आपको डिमांड सप्लाई जब इंटरसेक्ट करेंगे, डिमांड का तो आपको पता है वो फिक्स है, वो कैसे बनता है, बट सप्लाई इंटरसेक्ट, तो सप्लाई का तो अलग अलग होता है ना, जब अपने पोटेंशियल से कम इकोनॉमी काम कर रही होती है तो ऐसा होता है, जब फुल्ली अपने रिसोर्स यूटिलाइज कर रही होती है तो ऐसा होता है, फुल्ली एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पे ऐसा रहता है, क्लियर है? और उसके बाद आपके पास में जनरल डायग्राम ऐसा रहता है। खैर आपके पास में मैं एग्रीगेट डिमांड कर्व की बात कर दूं अगर, तो वो हर सिचुएशन में आपका शॉर्ट रन एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, शॉर्ट रन एग्रीगेट डिमांड, शॉर्ट रन एग्रीगेट डिमांड, ये आप देख रहे हैं, क्लियर है? एक क्लियरम पॉइंट देखते हैं हम, क्लियरम कहां से बनाया आपका बताइए जरा। ये इंटरसेक्ट करें जहां पे, जो इस दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये जीडीपी है, प्राइस का लेवल है, दिस वन एक क्लियरम लेवल है, ये जीडीपी और ये प्राइस का लेवल है, दिस वन जीडीपी और ये प्राइस का लेवल है। ये तो भैया मैंने आपको बता दिया यहाँ पर क्या, कि हमें बताया हुआ नहीं है कि किस सिचुएशन में हम हैं। तो भैया हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई तीनों में से कैसा भी हो सकता है, और एग्रीगेट डिमांड कर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो ऑलवेज आपका लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड ऐसे ही रहता है। तो ये आप एक है, तो आपके पास में क्या बोल रहा है, एक्सपेंशनरी। एक्सपेंशनरी का मतलब क्या होता है कि आपका जो है ना, किसी वजह से आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है। दो कारण हो सकते हैं एग्रीगेट डिमांड। एक्सपेंशनरी का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड शॉर्ट रन एग्रीगेट डिमांड का बढ़ना। क्यों बढ़ेगा आप बताइए? एक तो हम फिस्कल पॉलिसी ले लेते हैं, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंस को, गवर्नमेंट अब फिस्कल पॉलिसी में हम ले लेते हैं किस चीज को, फिस्कल पॉलिसी ले लेते हैं पहले, ठीक है? फिस्कल पॉलिसी ले लेते हैं, क्या गवर्नमेंट अपने जो है, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी तो लोगों के पास में क्या होगा, लोगों के पास में पैसा आ जाएगा, और पैसा आने की वजह से लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, तो डिमांड को आपको बेसिकली क्या करना है, बढ़ाना है। तो ये रीजन हो सकता है, या गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपने टैक्स को कम करेगी जिससे कि डिस्पोजेबल इनकम लोगों का बढ़ जाएगा, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। या फिर मॉनेटरी पॉलिसी में क्या आरबीआई कुछ ऐसी पॉलिसी बनाएगी जैसे कि बैंक रेट को कम कर देना, लोन के रेट को कम कर देना, जिससे कि लोग लोन ले और मार्केट में पैसा जाए, तो कहीं ना कहीं जो है मनी सप्लाई जो है वो आपकी बढ़ा देगा। इससे क्या होगा, ये कुछ रीजन भी है जो कि आप लिख सकते हो लिखने वक्त में एक्सपेंशनरी में। तो आपका जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है ना, वो आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, शॉर्ट रन एग्रीगेट डिमांड कर्व कुछ इस तरीके से, क्लियर है? तो इस सिचुएशन में आप देखेंगे कि आपको क्या देखेंगे, मैंने पहले ही बता दिया इस चीजों पर, पहले तो मेरा हो चुका है। तो अगर आप यहां पे क्या देखेंगे कि आपकी जीडीपी तो बढ़ी बट आपका प्राइस नहीं बढ़ा, क्योंकि आप अपने पोटेंशियल से ऑलरेडी आप कम प्रोड्यूस कर, मतलब कि कम प्रोड्यूस कर रहे थे, आपकी कैपेसिटी थी, अभी प्रोडक्शन करने का, तो और प्रोडक्शन डिमांड आएगी, डिमांड और आई तो आपने और प्रोडक्शन करके आपने चीजें बनाया, एम्प्लॉयमेंट लोगों को दिया, इस वजह से जीडीपी बढ़ी, लेकिन प्राइस बढ़ने का कोई पॉसिबिलिटीज है ही नहीं, क्योंकि आपके पास से पोटेंशियल था चीजों को बनाने का, क्लियर है जी? तो ये जो है ना आपके पास में, इसको एक्सपेंशनरी हम जो है डिमांड शॉक कहते हैं, इसी चीज को, क्लियर है? वो यहां पर भी आपको सकता है, दिस वन, क्लियर है जी? तो यहां पर आप देखेंगे कि जब पूरे पोटेंशियल पे काम कर रही है तो और तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो नहीं सकता है, तो जो गुड्स सर्विसेज है उसके प्राइस ही बढ़ जाएंगे। तो आप सिचुएशन बोल देगा कि आपको एग्रीगेट डिमांड शॉक बताओ जिसके अंदर प्राइस में चेंज ना हो, ऐसे सिचुएशन डाल देगा कि एग्रीगेट डिमांड शॉक बताओ कि आपके प्राइस में चेंज ना हो बट जीडीपी बढ़ जाए, तो पता है कौन सा केस है? एग्रीगेट डिमांड शॉक बताओ, एक्सपेंशनरी आप गैप बताइए जिसके अंदर के आपके प्राइस तो बढ़ जाए लेकिन आपका जीडीपी ही ना बढ़े, तो मतलब ये केस की बात कर रहा है। देख लिख लीजिएगा इन बातों को, जनरली आप इस पे देखेंगे एग्रीगेट शॉर्ट रन एग्रीगेट डिमांड ड्रॉप, तो यहां पर आप देखेंगे जिसमें कि दोनों ही आपके हो जाए, क्या आपके जीडीपी भी बढ़े और प्राइस भी आपके बढ़ जाए, तो जनरल वाले में ऐसा होगा।
बात समझे, तो आपके लिखने के लिए बहुत कुछ है, डायग्राम है लिखने के लिए। ये है कि डिमांड किस तरीके से आपका राइटवर्ड शिफ्ट होता है जब कंज्यूमर के पास में उसका जो एक्सपेंस करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, तब। क्लियर है जी, समझ गए? यहां पर आपसे सवाल यही था कुछ, व्हाट मीन बाय द एग्रीगेट डिमांड शॉक, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एक्सपेंशनरी डिमांड शॉक अपॉन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी एंड इकोनॉमी इन द शॉर्ट टर्म। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं कि हो सकता है कि भैया आपका जीडीपी बढ़ जाए, प्राइस ही ना बढ़े। ये हो सकता है कि जीडीपी ना बढ़े, प्राइस ही बढ़ जाए। और ये हो सकता है कि दोनों ही बढ़ जाए। तो ये इससे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं जब एग्रीगेट डिमांड शॉक होता है, तो कई बार जीडीपी बढ़ता है, प्राइस नहीं बढ़ता, कई बार प्राइस बढ़ता है, जीडीपी नहीं बढ़ता, कई बार ये होता है। वो अलग, वो डिपेंड करता है कि हमारे इकोनॉमिक किस सिचुएशन में है। बात समझे नहीं समझे? क्लियर है जी? तो इस बात को समझ में आपको आ गया, उम्मीद करता हूँ। अब आपको मेन, आपको जो इसका बेसिक था ना, सारा क्लियर हो गया। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, डेरिवेशन क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, डेरिवेशन क्या होता है, डिमांड शॉक क्या होता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर है। अब फटाफट इस चैप्टर को हम जो है इस वीक में पूरी कोशिश करेंगे कि इसको हम वाइंड अप की तरफ ले जाए। नेक्स्ट वीक में लास्ट यूनिट आपका जो है वो स्टार्ट करके हम इसको जो है 25 तारीख तक कोर्स को, आपके सिलेबस को वाइंड अप करेंगे। और आपने, आप सबके पास 10 ईयर होगा, आप जो क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे, खासकर न्यूमेरिकल, तो आपको पता होगा कि न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ है नहीं, वो आपको इजिली आप उसको कर पा रहे हैं। और जो थ्योरी है, नेशनल इनकम में जो क्वेश्चन है, वो आप इजिली कर सकते हो, तो कोई इतना बड़ा पेपर है नहीं। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।